नमस्कार, मेरा नाम है अंकित वर्मा और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लनटॉप शो। सबसे पहले बताते हैं आज दिन भर की सुर्खियां। जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है उनकी सबकी नजर कर्नाटक में चल रहे फ्लो टेस्ट पर रही। विश्वास मत पर विधानसभा में बहस तो हुई लेकिन कांग्रेस और जेडीएस दोनों मतदान से हिचकते दिखे। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रही, बीजेपी कहती रही ये वोटिंग से भाग रहे हैं। इस सब के बीच राज्यपाल भी सीन में आ गए। बीजेपी नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी, उनके दफ्तर से एक विशेष अधिकारी संदेश लेकर विधानसभा के स्पीकर तक पहुंचा था। बसपा की नेता मायावती भी आज खबरों में रही, राजनीतिक कारणों से नहीं भाई के कारण। आयकर विभाग ने आज उनके भाई और भाभी के खिलाफ एक्शन लिया। नोएडा में 400 करोड़ रुपए की एक बेनामी प्लॉट को जब्त कर लिया। खबरें सूत्रों के हवाले से आई, कहा गया ये तो शुरुआत है, अभी और बेनामी संपत्तियों की जानकारी इनकम टैक्स को है, उनकी भी जब्ती हो सकती है। सुर्खियों में एक ऐप भी है, टिकटॉक फिर से बैन की तलवार लटक गई है। भारत सरकार ने इस पर भारत विरोधी कंटेंट और अश्लील वीडियो क्लिप्स पाई और इसे खतरनाक माना है। आईटी मिनिस्ट्री के साइबर लॉ और ई सिक्योरिटी विंग ने टिकटॉक और हेलो ऐप के कर्ता धर्ताओं यानी चीन की कंपनी बाइट डांस के कारकुनों से 24 सवाल पूछे हैं। 4 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जवाब से संतुष्टि न मिलने पर ऐप को बैन भी किया जा सकता है। अब समय है आज की बड़ी खबरों का और दिन की पहली बड़ी खबर में बात कुलभूषण जाधव की। कल शाम पाक की जेल में बंद कुलभूषण जाधव पर आईसीजे का फैसला आया जिसे हम भारत वालों ने अपनी बड़ी जीत बताया। ऐसी ही बातें पाकिस्तान की तरफ भी चली। दोनों देशों की जीत के दावे पर बाद में आएंगे, पहले तथ्यों की बात कर लेते हैं। फैसला ये रहा कि कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी गई है। नीदरलैंड्स के हेग के पीस पैलेस में 16 जजों ने मामले की सुनवाई की। प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट जस्टिस अब्दुल कावी अहमद यूसुफ का आदेश आया, पाकिस्तान को कुलभूषण की फांसी रोकने का आदेश। कहा गया पाकिस्तान अपने फैसले पर फिर से विचार करे। सुनवाई कर रहे 15 जज कुलभूषण के पक्ष में थे, सिर्फ एक विपक्ष में। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव को वकील दिया जाए ताकि वो अपनी बात रख सके। कुलभूषण जाधव एक नाम जो पाकिस्तानी जड़ता का प्रतीक बन गया है, कैसे फंसा पाकिस्तान के चंगुल में। इसकी दो थ्योरीज हैं, एक वो जो सच है दूसरी झूठ है। एक भारत कहता है दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या कहता है? उनके मुताबिक कुलभूषण जाधव भारतीय जासूस है। उन पर बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने के इल्जाम भी लगाए गए। कहा गया वो भारतीय नौसेना के सर्विंग अफसर हैं और गिरफ्तारी के समय रॉ के लिए काम कर रहे थे। कहा गया कि उन्हें पाकिस्तान में 3 मार्च 2016 को जासूसी करते हुए पकड़ा गया। पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। उनके पास हुसैन मुबारक पटेल के नाम से एक पासपोर्ट होने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान यह भी कहता है कि गिरफ्तारी के 22 दिन बाद यानी 25 मार्च 2016 को पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त को इस गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। सच क्या है यानी भारत क्या कहता है? सच यह है कि कुलभूषण इंडियन नेवी में अफसर थे। नेवी से उन्होंने वॉलंटियरी रिटायरमेंट लिया था लेकिन वो रॉ एजेंट नहीं है, व्यापारी है। कुलभूषण पनवेल के रहने वाले हैं। उनके पिता सुधीर जाधव मुंबई पुलिस में एडिशनल कमिश्नर रहे हैं। बाद के दिनों में यह भी पता लगा था कि कुलभूषण जाधव राज्यवर्धन सिंह राठौर के बैचमेट रहे थे। खुद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताया था कि वो और कुलभूषण 1987 में एनडीए में बैचमेट थे। एक साल के कोर्स के बाद 1991 में कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी की इंजीनियरिंग शाखा में नियुक्त कर दिए गए थे। बाद में कुलभूषण ने अपना बिजनेस करने के लिए ज्वाइनिंग के 14 साल बाद रिटायरमेंट ले लिया था। पाकिस्तान भले कहे कि कुलभूषण बलूचिस्तान से गिरफ्तार किए गए लेकिन भारत का आरोप है कि उन्हें ईरान से किडनैप किया गया था। दरअसल कुलभूषण को ईरान के चाबहार फ्री ट्रेड जोन में कारोबार करना था। बिजनेस के सिलसिले में उनका ईरान आना जाना लगा रहता। वो ईरान में ही थे जहां से पाकिस्तानी एजेंसियों ने उनका अपहरण कर लिया। मीडिया में ये खबरें भी आई थी कि ईरान में कुछ पाकिस्तानी अफसरों ने उन्हें अपने परिवार के साथ मराठी में बात करते सुना था जिसके बाद उन्हें ट्रेस करके किडनैप किया गया था। कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चला। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान का गंदा चेहरा दुनिया ने देखा। कुलभूषण जाधव के मामले में 2 बार ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गया।
दो मौके जब तस्वीरों और वीडियो ने पाकिस्तान की पोल खोली। पहला मौका तब जब पाकिस्तान ने कुलभूषण का कथित कन्फेशन जारी किया। इस कबूलनामे में कुलभूषण नेवी में होने और रॉ में काम करने की बात कर रहे थे। उनसे ये भी कहलवाया गया कि बलूच नेताओं के साथ मिलकर अलगाववाद बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये वीडियो ही पाकिस्तान को भारी पड़ गया। वीडियो में ढेरों कट थे, हर थोड़ी देर में कैमरा एंगल बदल रहा था। वीडियो में कुलभूषण खूब अटकते दिखे। साफ पता लग रहा था कि कुछ बातें बोलकर कहीं से सहमति ले रहे थे और फिर आगे बोलते थे। नेवी से 2022 में रिटायर होने की बात भी कहलवाई गई, जबकि वो पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे। वीडियो में उनसे ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के किसी रॉ अफसर अनिल कुमार गुप्ता का जिक्र कराया गया, जबकि भारत सरकार के रिकॉर्ड में उस नाम का कोई अधिकारी काम नहीं करता। दूसरा मामला जब पाकिस्तान की भद पिटी। ये वो मौका था जब दिसंबर 2017 में कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी उनसे मिलने पहुंची। कहा तो गया कि मानवीय आधार पर घर वालों की उनसे मुलाकात कराई जा रही है, लेकिन जो नजर आया वो अमानवीय था। उन्हें कांच की दीवार की आड़ में कुलभूषण जाधव से बात करने को मिला। मुलाकात के दौरान जाधव को घर वालों से मराठी में बात नहीं करने दी गई। जाधव की मां, पत्नी और पत्नी के कपड़े तक बदलवा दिए गए। उनकी पत्नी का मंगलसूत्र और चूड़ी बिंदी भी उतरवा लिए गए। बात यहां भी नहीं रुकी, पाकिस्तान ने उनकी पत्नी के जूते उतरवा लिए जो नहीं लौटाए। बाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ये कहते मिले कि जाधव की पत्नी के जूते सुरक्षा के मद्देनजर जब्त किए गए थे, क्योंकि हमें शक है कि उनमें कोई जासूसी उपकरण लगा था। उसी रोज पाकिस्तान की मीडिया की बेशर्मी भी नजर आई, जो चिल्ला चिल्ला कर उनकी मां से ये पूछ रही थी कि क्या वो अपने कातिल बेटे से मिलकर खुश हैं। उनकी पत्नी से पूछा गया, आपके पति ने हजारों बेगुनाह पाकिस्तानियों के खून से होली खेली है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक कैसे पहुंचा? पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव को मौत की सजा का ऐलान हो गया था। वियना संधि के तहत भारत इस फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा। 8 मई 2017 को पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ अपील की। भारत की तरफ से पैरवी करने गए हरीश सालवे, पाकिस्तान की ओर से आए खबर कुरैशी। सुनवाइयां हुई और 15 मई को आईसीजे ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कल जाकर कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा को अंतिम फैसला आने तक रोकने का आदेश दिया गया। 26 महीने की लड़ाई के बाद कुलभूषण जाधव के लिए सुकून वाली खबर आई। हम आपको कुलभूषण मामले में आईसीजे के फैसले के सभी पहलुओं के बारे में बता रहे थे, अब आगे चलते हैं। अंतिम फैसले के वक्त भारत की तरफ से एक पूरा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था। इसमें विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान मामलों के संयुक्त सचिव दीपक मित्तल के साथ साथ कानून विशेषज्ञ भी थे। आईसीजे ने क्या फैसला दिया? कुलभूषण की फांसी पर रोक कोर्ट के फैसले से मिली सबसे बड़ी राहत थी। इसके बाद जैसे जैसे फैसला पढ़ा गया, मामले में भारत की स्थिति बेहतर होती गई। कोर्ट ने कहा कि कुलभूषण की फांसी पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक पाकिस्तान में कोई अदालत कुलभूषण को दोषी साबित किए जाने से लेकर फांसी की सजा तक अच्छी तरह से पुनर्विचार नहीं कर लेती। पाकिस्तान ने अब तक कुलभूषण को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया था, मतलब इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को उनकी मदद नहीं करने दी जा रही थी। कुलभूषण भारतीय नागरिक है, इस नाते उनका हक था कि वो जरूरत पड़ने पर इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से मदद ले। पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगा लगाकर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। आईसीजे ने भारतीय वकीलों के इस तर्क को मान लिया। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ा है। कोर्ट के 15 में से 14 जज फैसले के पक्ष में थे। सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले कार्यकारी जज जस्टिस तजादुक हुसैन जिलानी विपक्ष में थे। तजादुक हुसैन को बेंच का हिस्सा इसलिए बनाया गया कि मामले की सुनवाई कर रही आईसीजे की बेंच में जस्टिस दलवीर भंडारी थे। जस्टिस भंडारी उच्चतम न्यायालय में जज रहे हैं। इसे देखते हुए पाकिस्तान को भी एक जज भेजने की सहूलियत दी गई, लेकिन एक बात में जिलानी भी भारत के पक्ष में थे, वो ये कि कुलभूषण का मामला आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ घड़ी रुककर वियना कन्वेंशन समझते हैं। दो आजाद देशों के बीच राजनयिक संबंध इसी समझौते के तहत आते हैं। इसका पूरा नाम है वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशंस। संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में यह समझौता 1963 में अस्तित्व में आया। भारत और पाकिस्तान दोनों इसका हिस्सा हैं। समझौते का अनुच्छेद 36 कहता है कि किसी दूतावास के अधिकारियों को अपने देश के नागरिकों से मिलने से नहीं रोका जा सकता। जब किसी देश का नागरिक विदेश में गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार करने वाले मुल्क को इसकी जानकारी तुरंत उस देश के दूतावास को देनी होती है जिस मुल्क का व्यक्ति नागरिक है। दूतावास के अधिकारी जेल जाकर गिरफ्तार शख्स से मिल सकते हैं और उसे कानूनी मदद पहुंचा सकते हैं।
कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान ने इन्हीं नियमों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान का तर्क था कि कुलभूषण का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी से संबंधित है, इसलिए वियना कन्वेंशन लागू नहीं होता। आईसीजे ने इस तर्क को नहीं माना। पाकिस्तान ने यह तर्क भी दिया कि 2008 में उसकी भारत से एक अलग द्विपक्षीय संधि हुई थी, जिसके तहत राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में वियना कन्वेंशन से छूट दी गई थी। इस पर आईसीजे ने यह कहा है कि कोई भी द्विपक्षीय संधि या समझौता वियना कन्वेंशन से ऊपर नहीं हो सकता। फैसले से भारत को क्या मिला? कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कुलभूषण भारतीय नागरिक है। इसके अलावा फैसले में हमें मिली सबसे बड़ी पूंजी थी समय। भारत को अब आगे योजना बनाने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। कुलभूषण का मामला एक सैनिक अदालत ने सुना है। आईसीजे ने यह तो नहीं कहा कि कुलभूषण का मामला सिविल अदालत में चले, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सजा पर पुनर्विचार नाम के लिए बस ना हो। कोर्ट ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान की विधायिका ऐसे नियम बनाए कि मामले में न्याय हो सके। आईसीजे के 15 में से 14 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है। इससे पूरी दुनिया में संदेश गया कि कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान से गलती हुई है, खासकर इस वजह से कि पाकिस्तान की सैनिक अदालत में कानूनी प्रतिनिधित्व का प्रावधान ही नहीं था। माने कुलभूषण को वकील तक नहीं मिल रहा था। अब पाकिस्तान को कुलभूषण को वकील भी देना होगा। इसके लिए पाकिस्तान को अपने नियम बदलने होंगे। यही वजह थी कि देश भर के मीडिया ने इसे पाकिस्तान पर भारत की जीत की तरह बताया। तो पाकिस्तान की जीत का दावा कैसे आया? जब हमारा मीडिया मामले में भारत की जीत की बात कह रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तानी मीडिया आईसीजे के फैसले को पाकिस्तान की जीत की तरह पेश कर रहा था। यह कुछ कुछ 1965 की जंग की तरह हो गया था। इसमें भी भारत और पाकिस्तान दोनों जीत का दावा करते हैं। भारत की जीत के पीछे जो बातें थी वो हमने आपको बता दी। अब पाकिस्तान की जीत के दावे को टटोलते हैं। भारत की मांग थी कि आईसीजे पाकिस्तान की सैनिक अदालत के फैसले को अवैधानिक घोषित कर दे, साथ में ये माने कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और कुलभूषण को सुरक्षित भारत लौटा दिया जाए। आईसीजे ने ये तीनों बातें नहीं मानी, साथ में पाकिस्तान को ये आज़ादी दी कि वो कुलभूषण के मामले पर पुनर्विचार अपने तौर तरीकों से करे। बस इतना ध्यान रखना होगा कि तौर तरीके न्याय के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरें। आगे क्या होगा? आईसीजे एक अंतर्राष्ट्रीय पंचायत है। आमतौर पर मुल्क इसके फैसले मानते हैं, लेकिन वो ना माने तो उन्हें रोकने के तरीके कम हैं। पाकिस्तान अभी एक बाजी हारा है, लड़ाई अभी लंबी चलेगी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान भले कुलभूषण को रिहा ना करे, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार जरूर होगा। हो सकता है कि भारत उन्हें किसी द्विपक्षीय बातचीत के जरिए छुड़ाने की कोशिश करे, तो उम्मीद बनाए रखिए। इस पूरे मामले में एक चीज का जिक्र रह गया, वकीलों का। अब उनकी बात करते हैं। भारत के वकील हरीश सालवे के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब पाकिस्तानी पक्ष को जानिए। हरीश का सामना हुआ था खबर कुरैशी से। ब्रिटेन में कानूनी मामलों में क्वीन को सलाह देने वाले काउंसिल का हिस्सा है ये वाला केस लड़ने के लिए उन्होंने लिए 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए या अपने यहाँ के 8 करोड़ रुपए। खबर एक केस भारत के लिए भी लड़ चुके हैं। बात ऐसी है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद बिजली की कमी से निपटने के लिए विदेशी निवेश की बात हुई। अमेरिका की एक एनर्जी कंपनी एंड्रॉन कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाभोल पावर प्लांट लगाने का काम दिया गया। ये प्रोजेक्ट काफी विवादों में रहा। इल्जाम लगा कि एंड्रॉन ने इस डील के लिए कई नेताओं नौकरशाहों को पैसा खिलाया है, लेकिन कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ा। बाद में यह सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार कंपनी से महंगी बिजली खरीदकर सस्ते में लोगों को बेच रही थी, माने घाटा उठा रही थी। बात सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिजली खरीदना बंद कर दिया। असल करार के मुताबिक अगर इस प्लांट से बिजली नहीं भी खरीदी जाती तब भी MSEB को प्लांट के मेंटेनेंस के लिए एंड्रॉन को एक रकम देनी थी। एंड्रॉन ये मामला लेकर ICJ पहुंचा, तब केंद्र में वाजपेयी सरकार थी। उसने इस केस को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी हरीश सालवे को। 2004 में भारत सरकार ने इस केस को फॉक्स एंड मंडल लॉ फर्म को दे दिया। पहले बात चली कि फर्म सालवे को जारी रखेगी, लेकिन फिर फर्म ने केस के लिए खबर कुरैशी को ले लिया, लेकिन कुरैशी भारत को जिता नहीं सके। भारत को एनरॉन के साथ मामला सुलटाने के लिए कंपनी को खासी बड़ी रकम चुकानी पड़ी। भाग्य सालवे और कुरैशी को एक बार फिर आमने सामने लाया। इस बार फिर कुरैशी हारे, लेकिन भारत की जीत हुई हरीश सालवे की बदौलत। तो दी लल्लनटॉप शो में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ख्याल रखिए अपना।